नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल पे। दोस्तों, इंडियन कल्चर बहुत ही ज़्यादा एडमायर्ड, रेस्पेक्टेड एंड ब्यूटीफुल कल्चर है। तो आज की इस वीडियो में हम हमारे इंडियन कल्चर के बहुत सारे कस्टम्स के स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस जानने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, हम सबके घर में ज़्यादातर सुबह और शाम भगवान के आगे जोत जलाई जाती है। कुछ घर में सुबह शाम और कुछ घरों में अखंड दिया भी जलाया जाता है। कोई भी शुभ काम, पूजा या त्यौहार हो, हमेशा दीप जलाया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? वो इसीलिए क्योंकि रोशनी सिंबलाइज करती है, दर्शाती है नॉलेज को, ज्ञान को, और डार्कनेस अंधेरा दर्शाता है इग्नोरेंस को। दिया जला के हम उस रोशनी को स्वयं परमात्मा स्वरूप मान के उसको नमन करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम ट्यूबलाइट या बल्ब क्यों नहीं जला देते, सिर्फ दिया और बात वाली ही ज्योति क्यों जलाते हैं? वो इसीलिए क्योंकि जो ऑयल लैम्प होता है उसमें जो घी है, जो तेल है, वो हमारे अंदर के नेगेटिव थॉट्स, हमारे अंदर की वासनाएँ, इसको डिपिक्ट करता है, इसको दर्शाता है। जैसे जैसे जो जलती है, हमारी अंदर के नेगेटिव थॉट्स भी जलने लगते हैं और मन में शांति और सुख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी हैव प्रेयर रूम, व्हाई डू वी हैव मंदिर? इंडिया में हर घर में मंदिर होता है, पूजा घर होता है, जहाँ पर हम कोई भी शुभ काम करने से पहले नतमस्तक होते हैं, भगवान के आगे शीश झुका कर के आशीर्वाद लेते हैं। वो इसीलिए क्योंकि इस घर के असली ओनर तो भगवान हैं, हम सिर्फ उनके घर के केयर टेकर हैं। ये तो हम सब ने एक्सपीरियंस किया होगा कि पूजा करने से मन में कितनी शांति मिलती है, इसीलिए हर घर में होता है पूजा घर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी प्रोस्टेट बिफोर पेरेंट्स एंड एल्डर्स? अपनों से बड़ों के पैर छूना और उनका आशीर्वाद लेना भारत की सबसे पुरानी परंपरा है और ये हमारे कल्चर को रिच भी बनाती है। जब भी हमें किसी नए काम की शुरुआत करनी होती है या फिर वो नए दिन की शुरुआत ही क्यों ना हो, हम अपने से बड़ों के पैर छू के उनका आशीर्वाद लेते हैं। अपनों से बड़ों के पैर छूना इज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट कि हम आदर करते हैं उनकी उम्र का, उनके बड़प्पन का और उनके जीवन के अनुभव का और उनके निस्वार्थ प्यार का। By prostrating before our parents and elders, हम आशीर्वाद लेते हैं अपनों से बड़ों का कि उनकी गुड विशेस और उनकी अंदर की पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर संचालित हो सके और हमारे सभी काम बने। अगला सवाल है कि हम तुलसी की पूजा क्यों करते हैं? हम सबके घरों के आंगन में तुलसी का पौधा ज़रूर होता है। तुलसी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा पूजनीय है। तुलसी का पौधा सिंबलाइज करता है गॉडेस लक्ष्मी को, जो कि डायरेक्ट कनेक्टेड है भगवान विष्णु से। तो अगर किसी को अपने घर के अंदर सुख, शांति और समृद्धि चाहिए तो वो तुलसी की पूजा ज़रूर करते हैं, और यही कारण है कि हम सबके घरों के आंगन में होता है तुलसी का पौधा। तुलसी के पौधे के बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस भी हैं और बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में भी तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। उनमें से बहुत कॉमन है सर्दी, खांसी, जुखाम। और तुलसी के पत्ते इतने शक्तिशाली होते हैं कि कहते हैं कि कैंसर के इलाज में भी तुलसी के पत्ते काफ़ी कारगर होते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हम नमस्ते क्यों करते हैं? जब भी हम किसी से मिलते हैं, फिर वो चाहे स्ट्रेंजर ही क्यों ना हो, तो हम उसे ग्रीट करते हुए नमस्ते कहते हैं। संस्कृत में नमस्ते मतलब नमः ते, जिसका मतलब है आई बो टू यू। सेकेंड मीनिंग भी है कि अगर हम इसको इंटरप्रेट करें तो नमः मीन्स ना मम, मतलब मेरे अंदर जितनी भी पॉजिटिवनेस है, ईगो है, मैं उसको साइड में रख कर आपको ग्रीट करता हूँ, आपके आगे नमन करता हूँ। नमस्ते का अगर हम स्पिरिचुअल मीनिंग जाने तो वो और भी गहरा है। इसका मतलब ये है कि जो मेरे अंदर दैविक शक्ति है, वही दैविक शक्ति सभी के अंदर है। तो जब मैं आपको नमस्ते कर रहा हूँ तो मैं आपके अंदर की उस डिवाइन पावर को प्रणाम कर रहा हूँ। दोस्तों, नमस्ते का सिग्निफिकेंस जानने के बाद जो हमारी ग्रीटिंग है वो एक सुपरफिशियल जेस्चर नहीं, बल्कि बहुत ही मीनिंगफुल
कम्युनिकेशन बन जाती है बिटवीन द टू। अगला सवाल है कि व्हाई डू वी अप्लाई टीका ऑन फोरहेड। कोई भी शुभ काम करते समय, मंदिर जाते समय, पूजा की शुरुआत करते समय हम अपने माथे पर टीका लगाते हैं। मैरिड वुमेन भी अपने माथे पर टीका लगाती हैं। टीका किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी भी रंग का हो सकता है, जैसे कि चंदन का टीका, केसर का टीका, लाल रंग का टीका, काले रंग का टीका। कोई यू की शेप में टीका लगाता है, कोई पूरे माथे पे भस्म लगाता है। तो इसका क्या कारण है? पूजा करते समय जब हम भगवान को टीका लगाते हैं तो वही टीका हम अपने भी माथे पर लगाते हैं एज प्रसाद। इसका मतलब होता है कि मे आई रिमेम्बर द लॉर्ड, मेरे हर काम में शुद्धता रहे और मेरे द्वारा कुछ गलत ना हो। हमारी आईब्रोज के बीच का जो स्पेस है वो मेमोरी और थिंकिंग के लिए होता है, इसलिए ज़्यादा एनर्जी वहीं से जनरेट होती है। शायद यही कारण है कि ज़्यादा सोचने की वजह से हमारे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तिलक लगाने से हमारा माथा कूल डाउन हो जाता है और हमारी बॉडी से एनर्जी लॉस भी बच जाता है। इसका साइंटिफिक रीज़न भी ये है कि दोनों आईब्रोज के बीच में जो स्पेस है, जब हम उसको प्रेस करते हैं तो हमारे ब्लड सप्लाई जो फेस की है, फेशियल मसल्स का ब्लड सप्लाई भी बहुत अच्छा हो जाता है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाई वी डू नॉट टच पेपर्स, बुक्स एंड पीपल विद द फीट। हमेशा से हमारी भारतीय संस्कृति में ज्ञान और नॉलेज को सबसे ऊपर रखा गया है, तो कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हमें ज्ञान मिलता है उसको पैरों से टच करना निषेध है, बिल्कुल गलत बात है। बुक्स, पेपर सब सरस्वती स्वरूप है और गलती से भी अगर टच हो जाए तो हम बुक्स को अपने माथे से लगाते हैं। इन अवर इंडियन कल्चर मैन इज रिगार्डेड एज द मोस्ट ब्यूटिफुल लिविंग ब्रीदिंग टेम्पल ऑफ द लॉर्ड। इसीलिए अगर गलती से हम किसी को अपने पैर से टच कर लेते हैं तो हम तुरंत एज एन अपॉलॉजी उसको टच करके अपने माथे से लगाते हैं, क्योंकि हिंदू संस्कृति में ये माना गया है कि हर इंसान के अंदर एक डिवाइन सोल है, एक डिवाइन पावर है एंड उसकी पूरी तरह से रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।